नमस्कार छात्रों आज हम कक्षा आठ विषय हिंदी के बारे में अभ्यास करेंगे हमारा विषयांक है और वचन व्याकरण में हम लिंक और वचन किसे कहते हैं इसके बारे में अभ्यास करेंगे पहला है लिंक लिंक किसे कहते हैं उसके बारे में अभ्यास करेंगे संज्ञा शब्द जिस रूप से यह ज्ञात हो कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग शंगना का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है तो अभी हम छात्र देखेंगे कि लिंग के भेद कौन कौन से हैं? तो हिंदी में भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग तो अभी हम पुल्लिंग। जो पहला लिंग का है उसके बारे में समझेंगे तो पहला है पुल्लिंग जो शब्द के पुरुष जाति का बोध कराता है वह है पुल्लिंग उसे जो पुरुषवाची दर्शाते हैं उसे है, गोड़ा। गोड़ा पुल्लिंग कहते हैं जैसे घोड़ा घोड़ा यह वाचिक शब्द है और दूसरा आता है इसके बाद हाथी तो हाथी वह भी पुल्लिंग शब्द है और इसके बाद हम देखेंगे तो आता है कुत्ता तो कुत्ता यह चित्र भी पुरुषवाची का निर्देश करता है और इसके बाद आता है आयुष यानी कि यह लड़के का नाम आयुष है तो हम ये सारे पिक्चर देखकर सोच सकते हैं कि यह सारे पुरुषवाचिका नाम निर्देश कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति को बोध कराते हैं, वो है स्त्रीलिंग जो हमें स्त्री जाति का निर्देश कराता है जैसे गोड़ी हाथी शिक्षिका लड़की धोबिन दादी गायिका। अभी हम देखेंगे यहां पे यह पहला चित्र हमने देखा है वो क्या है शिक्षिका का वो शिक्षिका स्त्रीलिंग सूचक शब्द दिखाए रहे है और दूसरा चित्र है वो है लड़की का और यह बाद में है कौन है लता मंगेशकर यानी कि हमारी गायिका जो स्त्रीलिंग शब्द से उसको सूचित किया जाता है और बाद में है, ए दादी का चित्र है यह सभी स्त्रीलिंग सूचक दर्शा रहे हमने अभी लिंग के बारे में अभ्यास किया अभी हम देखेंगे वचन वचन किसे कहते हैं तो वचन के बारे में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं वचन के भेद वचन का अर्थ संख्या से वचन के दो भेद होते हैं। तो उसके दो भेद कैसे है तो पहला भेद है एक वचन और दूसरा है बहुवचन तो भी छात्रों अभी हम उसके पहले भेद के बारे में अभ्यास करेंगे पहला है एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहला जाता है कहा जाता है जैसे पुस्तक लड़की चिड़िया बस अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे पुस्तक यानी कि एक ही पुस्तक का नाम निर्देश और चित्र के द्वारा दिखाया गया है और यहाँ फिर देखिए लड़की तो एक ही लड़की का चित्र दिखाया गया है बाद में है चिड़िया तो एक ही चिड़िया है और यहाँ पे इसके बाद दिखाया गया है बस तो बस भी एक ही दिखाई गई है तो सारे चित्र के अनुसार यह एक वचन के चित्र है यह हमें जानकारी देते हैं छात्र अभी हम देखेंगे बहुवचन तो बहुवचन किसे कहते हैं शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहलाता है यानी कि कहा जाता है जैसे कुर्सियां मालाएं पक्षी वृंद पुस्तक यानी कि सभी चीजें इसमें एक नहीं होती लेकिन एक से अधिक का उल्लेख किया गया है हम देखेंगे यहाँ पे पुस्तक तो यहाँ पे एक पुस्तक नहीं है बहुत सारी पुस्तक दिखाई गई है फिर देखेंगे लड़की तो लड़की भी यहाँ पे एक नहीं है एक से अधिक यानी कि दो दिखाई गई है अभी देखेंगे छात्रा हम चिड़िया तो चिड़िया भी एक नहीं है इससे ज्यादा है तो एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन के रूप में प्रस्तुत हुई अभी देखेंगे बस तो छात्र हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बस नहीं है एक से ज्यादा अनेक दिखाई पड़ती है तो ये सभी चित्र बहुवचन के रूप प्रस्तुत करते हैं नमस्कार